अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जामुन का शरबत। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैंने 1 kg जामुन डाले हैं। अच्छे से धो के इसको रखा है मैंने। डेढ़ गिलास पानी का हम डालेंगे। फ्लेम ऊंचा करते हैं और इसको ढक देते हैं 15-20 मिनट तक, जब तक ये खूब अच्छे से इसकी गुठली और गूदा अलग ना हो जाए। अब हम इसमें 1/4 कप या 1 कप चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कम ही डालें, क्योंकि अगर शुगर पेशेंट पीना चाहे तो हल्के मीठे का या कम मीठे का वो भी पी ले। गर्मियों के लिए बड़ा बेहतरीन टॉनिक है। बस इसको 1 मिनट के बाद हम उतारते हैं और उतार के इसको, इसकी स्किन को, इसको छान के आपको दिखाएंगे। अब ये हमने इसको अच्छे से 20-25 मिनट पकाया चीनी के साथ। चीनी कम डाली है, 1 किलो थे जामुन और चीनी हमने डाली है 1 कप, बल्कि 1/4 कप, 1 कप ही मान के चलें आप। तो अब ये ज़रा ठंडा हो जाए, फिर हम इसका शरबत बनाते हैं। चलिए, अब ये हमने छान लिया इसे अच्छे से बूदे को और इसको हमने इसको अच्छे से छान लिया। अब हम इसका बनाते हैं शरबत। इसमें डालते हैं यख पानी। अब डालते हैं चुटकी बराबर नमक, काली मिर्च, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और चुटकी बराबर 1 पिंच काला नमक। अब हम इसमें डालते हैं बर्फ। और हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये है हमारा जामुन का शरबत। इसके फ़ायदे मैं बता दूँ, ये जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है और गर्मियों में बहुत इंसान को फ्रेश रखता है, खून की नालियों के लिए अच्छा होता है, खून को साफ़ करता है और जिगर के तमाम अमराज जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदा मंद होता है। शुगर के लिए तो मैंने कहा, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जामुन से शुगर का बहुत ताल्लुक है, तो शुगर वालों के लिए भी बेस्ट है। तो आप चाहें तो इसे, मौसम आया हुआ है और ये कुव्वत ख़रीद भी इतनी, गरीब के लिए भी अब तो ये इतना सस्ता हुआ है कि सबके लिए फ़ायदेमंद है, हर गरीब अमीर सब ले सकते हैं। तो आप इसको मेरे तरीके से बनाएं और अपनी रोज़मर्रा के उस मामूलात में इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों से छुटकारा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाइक करते हैं तो थम्सअप भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।